यही कहना चाहेंगे कि वो हमेशा शिक्षा के तरफ आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा श्रेणी का दूध है कि इसको जो जितना ही पिएगा उतना ही एक दिन दहाड़ेगा। इस प्रकार से अदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पोस्ट को प्राप्त किए हैं, तो हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग भी मन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों के लिए सबसे अनमोल रत्न है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। घाटी प्रखंड क्षेत्र के असनगर चौक के पास न्यू रेडिंग प्वाइंट कोचिंग सेंटर में 20 दिन पहले टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया था। बता दें कि उक्त कोचिंग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निशुल्क साप्ताहिक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि कोचिंग के 132 छात्र एवं छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कोचिंग के विद्यार्थी भी शामिल हुए। कोचिंग के डायरेक्टर रविकांत शर्मा ने परीक्षा से पहले सभी बच्चों को मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पत्र के तर्ज पर परीक्षा आयोजित करने के संबंध में बताया कि इस तरह के आयोजन से एक तो छात्र एवं छात्राओं को पूर्व से वैसी परीक्षा देने की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही परीक्षा के क्रम में होने वाले स्वाभाविक घबराहट से मुक्ति मिलेगी। वही सभी छात्र एवं छात्राओं ने तन्मयता से सवालों का जवाब दिया। वही वहां के मुखिया बच्चेलाल पासवान ने कई बच्चों को भी सम्मानित किया। वही कोचिंग के सभी शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। ताके मुखिया जी बाद में कॉल करता हूँ। क्या कहेंगे कोचिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे सर लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते उड़ाते हैं। सब सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस वक्त डर भी लग रहा था? नहीं सर, हर समय एग्ज़ाम लेते रहते हैं, इसलिए हमको कोई डर नहीं लगा। कितना नंबर आया आपके? 436। कितना आपको खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आगे भविष्य में क्या बनना है? भविष्य में जी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नाम क्या है? अंबिका रानी। कितना खुशी महसूस हो रहा है आज इतना नंबर ला के पार के आई है, क्या कुछ कर रहा है? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरे सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कोचिंग में न्यू रीडिंग पॉइंट कोचिंग सेंटर। कितना नंबर आया है? 382 नंबर आया। जब परीक्षा दे रहा है तो उस वक्त डर भी लग रहा है? मैं पहली बार एग्जाम दी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी सर लोग बहुत अच्छे से समझाए और एग्जाम दिए, बहुत अच्छा फील हुआ। कितना नंबर है? 382 नंबर है। नाम क्या है? साक्षी कुमारी। कितना नंबर आया है और कितना खुशी महसूस हो रहा है? 365 नंबर आया है, बहुत खुशी हो रही है कि इतना नंबर आया है। पहला बार एग्जाम दिए हैं जी। नाम क्या हुआ? नंदिनी कुमारी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी घर पे और कोचिंग मिला के कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 5 घंटा। 5 घंटा। कितना नंबर आया? 63 नंबर। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी। क्या कुछ कहेंगे, कितना नंबर मिला है और क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे जो नहीं पढ़ पाते हैं? मेरा 429 नंबर आया है और यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा देर मतलब कि जो ही पढ़े मन लगा के पढ़े, वो नहीं कि सामने किताब रख के और सोते रहें, क्योंकि पढ़ने मन लगा के पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। कितना नंबर आया? 429।
क्या नाम है? युवराज कुमार। क्या कुछ कहेंगे, कितना खुशी महसूस हो रहा है एग्जाम? यही कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से गया है, हमें बहुत खुशी रिजल्ट मिल के। और उसके बाद कहना चाहते हैं जो जो नहीं पढ़े वो अच्छे से पढ़े, और जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, थोड़ा देर ही पढ़े पर अच्छे से पढ़े। नाम क्या? पुष्कर कुमार। कितना नंबर आया? 366 नंबर। 361 नंबर आया है। और यही हम कहना चाहते हैं जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो थोड़ा मन लगा कर पढ़े, जितना दिन ही पढ़े उतना देर थोड़ा मन लगा कर पढ़े, जो आगे के सीढ़ी तरफ पाएंगे वो। ये कहना है कि सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजन बच्चे लोग के, जो गुरुजन हैं रविकांत जी, इनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पंचायत पट्टी असवारी के महान जनता और मैं अपने तरफ से कि हमारे ग्राम में शिक्षा केंद्र का बहुत विकास करा रहे हैं, और बच्चों से भी आग्रह है कि अपने अपने माता पिता के नाम ऊंचा करें और गुरुजन के भी नाम ऊंचा करें, अपने गांव समाज के भी नाम ऊंचा करें कि हम लोग का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। शुभ नाम क्या है? बच्चे लाल पासवान मेरा नाम हुआ, पंचायत पट्टी असवारी पंचायत के वर्तमान में मुखिया हूँ, पहले भी था इस बार भी हूँ जनरल। आज एग्ज़ाम में हुआ था जो बच्चे लोग का, वो लोगों का रिजल्ट आ चुका था, उन सभी बच्चे को सम्मानित किया गया है इस न्यू रीडिंग पॉइंट कोचिंग सेंटर में। आज से 20 दिन पहले एक वार्षिक परीक्षा हुआ था जिसमें 232 स्टूडेंट भाग लिए हुए थे, उसमें 10th के विद्यार्थी 80 थे, उसके बाद में 9th क्लास के थे, फिर 8th क्लास के थे और 7th क्लास के। सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, उन सभी बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। आदरणीय मुखिया जी के तरफ से भी बच्चों लोग को सम्मानित किया गया है, और इसमें आगे भी हर एक साल इसी प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेगी, जो बच्चे लोग एग्ज़ाम देंगे उनको आगे भी सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आगे अगर एग्ज़ाम होगा, अच्छे से बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो उनको आगे भी इसी प्रकार से इनाम दिया जाएगा। क्या उद्देश्य रहता है बच्चों को मोटिवेट करने का? एक प्रयास है क्या? हाँ, हम लोगों का एक उद्देश्य है, हमारा ग्रुप है 7 आदमी का, और इस ग्रुप में सभी का सोच यही है कि इस समाज के बच्चों का अच्छा से विकास किया जाए, वो लोग एक दिन अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे पोस्ट को प्राप्त करें, हम लोगों का यही सोच है। इसमें जो भी गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से, वो सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा दिया जाए। अगर कोई गरीब विद्यार्थी है उनको हम लोग पूरा बिल्कुल फ्री पढ़ाने का काम करते हैं, यहाँ तक कॉपी किताब भी देने का काम करते हैं। आज कितने बच्चों को, छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया? आज 215 स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आया है, उन सभी को आज सम्मानित किया गया है। जो फर्स्ट रैंक में क्लास 10th में सबसे ज़्यादा लाए हुए थे 429 नंबर, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद में 9th क्लास में सबसे हाईएस्ट था 436 नंबर, उनको भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद में 382 नंबर था, उन लोग को भी सम्मानित किया गया है। अदर और सारे बहुत लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे बच्चों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ मोटिव करना चाहेंगे? बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि वो हमेशा शिक्षा के तरफ आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा श्रेणी का दूध है कि इसको जो जितना ही पिएगा उतना ही एक दिन दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा पा करके बहुत सारे लोग बड़े बड़े पोस्ट को प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक लोक परिवार से थे, उन्होंने शिक्षा अध्ययन करके हमारे संविधान का निर्माण किया था। इस प्रकार से अदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पोस्ट को प्राप्त किए हैं। तो हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग भी मन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों के लिए सबसे अनमोल रत्न है। नाम क्या है? मेरा नाम रविकांत शर्मा हुआ। कोचिंग का क्या नाम? मेरे कोचिंग का नाम न्यू रीडिंग पॉइंट कोचिंग सेंटर हुआ, जो जगन्नाथपुर में सरकारी स्कूल के जस्ट बगल में अवस्थित है।